सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पीएन सिटी मेरठ को और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। ये ट्रे में दाना डाल दिया है, देखिए अब इसे अपने कबूतरों को दे के आप देखिए कबूतर इसमें कितने आसानी से दाना खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पिजन सिटी मेरठ में। दोस्तों आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि कबूतर एक ट्रे में दाना खा रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं कबूतरों की दाना देने वाली ट्रे बनाना सिखाऊंगा और बहुत ही सस्ती और बहुत ही मजबूत ट्रे दोस्तों ये बनेगी। लगभग 150 से 200 रुपये में आपकी ये ट्रे बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चाहिए ये आपको प्लाई, ये आधा इंची की प्लाई है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपको जहाँ प्लाई बोर्ड वगैरह मिलते हैं वहाँ मिल जाएगी। एक दोस्तों आपको ये इंची टेप चाहिए, ये कुछ दोस्तों ये कीले चाहिए होंगी, ये 10 रुपये की ले आना, बहुत है। ठीक है, एक हथौड़ी, एक दोस्तों मार्किंग करने के लिए पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए। एक दोस्तों आपको चाहिए होगी आरी, ठीक है, ताकि इससे हम लकड़ी काट सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लाई बोर्ड में से अब हम अपनी माप के अनुसार पीस काटेंगे। तो एक पीस काटना है दोस्तों हमें 4 फीट लंबा और 4 इंच चौड़ा। दोस्तों हमें एक पीस काटना है 4 इंच चौड़ा और 4 फीट लंबा, और 2 पीस काटने हैं दोस्तों हमें 2.5 इंच चौड़े और 4 फीट लंबे, और 2 पीस काटने हैं दोस्तों 5 इंच चौड़े और 6 इंच लंबे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये मैंने लंबी लंबी फंटी काट ली है, दो फंटी तो दोस्तों आपको चाहिए लगभग 2.5 इंची वाई 4 फिट की 2 फंटी हैं, ये पहली है दूसरी ये। ठीक है दोस्तों, एक फंटी दोस्तों ये चाहिए आपको 4 इंची चौड़ी और 4 फिट लंबी। ठीक, और ये 2 आपको इस तरह चाहिए होगी दोस्तों, ये मैंने थोड़ा टेपर में काट लिया है। ठीक है, ये हमारी एंड पॉइंटों पर लगेंगी, ये इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक 5 इंच और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह किनारे काट लिए, आरी से आप काट सकते हैं आराम से। तो अब हम इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हम ये 4 इंची वाली जो पट्टी है इस पर पहले ये फेविकॉल लगा लेंगे। ठीक है, इससे ये मजबूती से जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये फेविकॉल हमें, ये देखिए आप इस तरह ये पूरे पे दोस्तों थ्रू आउट फेविकॉल लगा देना। दोस्तों ये मैंने इस पर फेविकॉल लगा लिया है अच्छी तरह से। अब हमें करना ये है कि 2.5 इंची वाली जो पट्टी है हमारी इसे हम इसके ऊपर कीलों से ठोक देंगे। तो ठोकने के बाद दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए एक साइड जुड़ चुकी है उसकी, ये वाली कंप्लीट कीलों से। अब इसी तरह हम इसकी जो दूसरी साइड है ये वाली हमको ये इस तरह जोड़ देनी है। ठीक है, जोड़ के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारी दोनों साइड जुड़ चुकी हैं। ये दोस्तों अब इस तरह हमें इसकी साइड लगानी है, ये एंड पॉइंट पे इस तरह ये। ठीक है, ये भी कीलो से हम यहाँ कीलो से इसे ठोकेंगे और लगाने के बाद फिर मैं वीडियो आपके दोस्तों कंटिन्यू करता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों ये मेरी एक साइड की ये एंड पॉइंट लग चुका है, इस पॉइंट पर भी दोस्तों मैं दूसरा लगा के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमारी एंड पॉइंट लगा दिए मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह दोस्तों ये कील दिख रही होंगी आपको, यहाँ से मैंने लगाया और ये हमारी देखिए दोस्तों दोनों एंड पॉइंटों पे मैंने ये लगा दिया और ये हमारी ये कंप्लीट ट्रे दोस्तों अभी बन चुकी है। फिलहाल 90% दोस्तों ट्रे बन चुकी है। अब दोस्तों इसमें हमें करना क्या है कि एक GI का तार लगाना है, क्योंकि दोस्तों उस तार लगाने से ये होगा कि हम इसे ईजिली हम इसे उठा सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है कि इस GI वायर को लगाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ एक छेद करना पड़ेगा। GI का वायर लगा के आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने इसमें ये GI का वायर फंसा दिया है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा फोकस होने। देखिए दोस्तों ये मैंने यहाँ ये चोबे से छेद करके वो कील से दोस्तों इसमें कील से छेद करके ये मैंने GI का वायर इस तरह निकाल के यहाँ ये मैंने लॉक बना दिया और ये आपको कंप्लीट इस तरह दोस्तों ये आपको
इस पॉइंट पर भी दिख जाएगा। इस पॉइंट पर भी दोस्तों मैंने लगा दिया। इसका दोस्तों फ़ायदा ये है कि हम ये अपनी ट्रे ऐसे उठा के अपना हटा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी ये ट्रे बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें करना ये है कि इसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देना है ताकि इसका जो फेविकॉल है वो अच्छी तरह सूख जाए और हमारी ट्रे मजबूती से चिपक जाए, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पर पेंट कर दें। पेंट करने से दोस्तों इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले इसका आपको डायमेंशन बता देता हूँ इस ट्रे का। दोस्तों ये हमारी 4 फीट लंबी है, 4 इंच दोस्तों चौड़ी है और 2.5 इंच गहरी है। इसमें दोस्तों आपके 50 से 70 कबूतर आसानी से दाना खा सकते हैं और ये दोस्तों ऑलरेडी 150 से 200 रुपये के बीच में आपकी तैयार हो जाएगी, बहुत ही सस्ती, ठीक है। दोस्तों इस ट्रे में दाना देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आपके कबूतर साफ़ और सुथरा दाना खाएंगे और अगर आपका दाना बच जाएगा तो दोस्तों आपका दाना वेस्ट नहीं होने का, वो आप नेक्स्ट डे कबूतरों को फिर से खिला सकते हैं। जो मेरे दोस्त छतों पर दाना डालते हैं दोस्तों उनके साथ अक्सर होता है, क्या है कि बारिशों के सीज़न में छत गीली होती है तो वो दाना जब गीली छतों पर डालते हैं या कबूतर छतों पर बीट कर देते हैं तो जब बीट में दाना वो डालते हैं दोस्तों तो कबूतर जब बीट वाला दाना या गीला दाना खा लेता है तो उसके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्रे का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और ये बहुत ही सस्ती है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑल ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जिन दोस्तों को कबूतरों के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकता है।